राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती विजय राज सिंधिया जी, वसुंधरा राज सिंधिया जी और वसुंधरा सिंधिया जी हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष और वो अभी वहाँ की जो वहाँ का जो प्रोसीडिंग्स है उनके बारे में आपको संबोधित करेंगे। और यहाँ पर जो बैठे हैं वो हैं अनिल बलूनी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया हेड, और संजय मयूर जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी मीडिया के को हेड। मैं आग्रह करता हूँ विजय राज वसुंधरा सिंधिया जी से संबोधित करें। Let me welcome you all. Let me welcome you all today to this press conference. इतनी संख्या में आप लोग सब आए हो, आप लोगों का इंटरेस्ट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। आज के इस मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ है उसको शॉर्ट में आपके सामने मैं बताना चाहूंगी। आई वॉन्ट टू पुट इट आउट ऑल इन फ्रंट ऑफ यू वॉट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग इन द पास्ट फ्यू आवर्स। सो आई जस्ट स्टार्ट ऑन द शॉर्ट पॉइंट्स। अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, गोवा और मणिपुर में, और उसके साथ साथ कुछ निकाय चुनाव भी हुए हैं और कुछ उपचुनाव भी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी जीत हुई है। रामपुर, आजमगढ़, त्रिपुरा, बहुत सारे जीत जो आपके सामने हैं उसको और उसकी सराहना करते हुए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी और उनके गरीब कल्याण नीति उसकी सराहना की और धन्यवाद दिया कि उनकी वजह से इतनी शानदार जीत हम लोगों की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम हासिल कर पाए। ये भी एक पॉइंट उसमें निकल के आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अभी चरमराई हुई है। आज पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर जो है वो औसतन 6%, वहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था है दैट इज नाउ 8.7% एंड मूविंग। इस 8.7% की दर से वो प्रगति करते जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। इस बैठक के अंदर अमंग मेनी अदर पॉइंट्स हमारी ये भी बात हुई कि हम लोगों को प्रवास के कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की जरूरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसके ऊपर जोर दिया है कि हम लोग जनता के बीच में जाएं, जनता से मिलें, बूथ तक पहुंचने की कोशिश करें, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और अपनी पार्टी को वहां बढ़ाने की कोशिश करें। उनका सोच था और उनका जोर था कि बूथ को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। बूथ अध्यक्ष, बूथ के कार्यकर्ता, उन लोगों से संपर्क साधना हमारे लिए बड़ी माने एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही छोटे कार्यकर्ता हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं और जो एक्चुअली में फैल के इलाके के अंदर अपनी बात को सबके सामने रख सकेंगे। इस बीच में उन्होंने ये भी कहा कि संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए एक गहन अभियान चलाने की जरूरत है। ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो उसका फायदा कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और प्रदेश को भी मिलेगा और साथ में जनता को भी मिलेगा। आगे आने वाली अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए मैं दो प्रस्ताव प्रेषित तो करे ही जाएंगे। एक तो राजनीतिक प्रस्ताव है, दूसरा अर्थव्यवस्था और गरीब कल्याण।
ये भी पेश किए जाएंगे और इन सभी प्रस्तावों के प्रारूपों के ऊपर पदाधिकारियों की जो बैठक अभी हुई है उसमें चर्चा हुई थी। ये भी वी ऑल्सो फेल्ट दैट परहैप्स इट्स अ गुड आइडिया कि जिस प्रदेश के अंदर बैठक होगी उस प्रदेश की स्थिति के ऊपर एक स्टेटमेंट निकालने की जरूरत है। तेलंगाना की स्थिति पर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में जो संगठन के कार्यक्रम हैं और संगठन की मजबूती के लिए उन कार्यक्रम पर चर्चा करके पूछताछ करने का प्रयास किया गया कि वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और ये भी बताया गया कि थोड़ा सा ट्वीक इधर उधर करके उसको और आगे बढ़ा के उसको और सशक्त करने का काम अगर हम लोग करेंगे तो पार्टी को उसका भी फायदा मिलेगा। शॉर्ट पॉइंट्स में हर बूथ पे कम से कम 200 एक्टिव कार्यकर्ताओं को बाहर निकालने का काम और व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने का काम जो नीचे तक लोगों को जोड़ने का काम करेगा। फिर मन की बात जो कार्यक्रम है उसके ऊपर किस तरीके से सुचारू तरीके से हम लोग उसका संचालन कर सकते हैं और उसको और आगे कहां तक फैलाने का काम कर सकते हैं उसके बारे में भी बातचीत हुई। पन्ना प्रमुख को तैयार करने पर चर्चा हुई। ये सोचा है हमारे अध्यक्ष जी ने भी और सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया डिस्कशन के अंदर कि इतने सारे कार्यक्रमों में इसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं भूले और इसको और सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश करें क्योंकि यही फाउंडेशन है जिस फाउंडेशन के ऊपर हमारी इमारत बनेगी। ये पन्ना प्रमुख ही है जिस पन्ना प्रमुख के ऊपर हमारे आगे के इलेक्शन का कार्यक्रम मैंने निर्भर होगा। बूथ सशक्तिकरण का अभियान ये हर सप्ताह हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संगठन मंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। माने ये जरूरी है क्योंकि अगर हर हफ्ते हर 15 दिन के अंदर हम लोग इसके बारे में बातचीत करते रहेंगे उसकी समीक्षा करते रहेंगे तो एक्चुअली में ग्राउंड लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, काम हो रहा है, वो कहां तक पहुंचा है इसकी जानकारी भी हम तक पहुंच जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यक्रम अब हमारे सामने आ रहे हैं और जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ वो थे आजादी के अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। इसका कैसे क्या आयोजन अलग अलग स्टेट्स के अंदर होगा, देश के अंदर होगा और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें हर घर के अंदर तिरंगा, ये एक कार्यक्रम है हर घर तिरंगा कार्यक्रम, उसको सफल बनाने के लिए देश को किस तरीके से एकजुट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का हम प्रयास करें। ये हर घर तिरंगा एक अपने आप में आंदोलन बन जाएगा, लोगों को एकजुट करेगा, लोगों को जोड़ेगा और उसका भी फायदा पूरे देश के अंदर होगा। ये हमारा लक्ष्य है कि करीबन 20 करोड़ लोगों तक पहुंचे। फिर हमारे पास साथ साथ इसके अभी हमारे पास काउंटिंग समथिंग लाइक 30 करोड़ लाभार्थी, इन तक हम कैसे पहुंच सके, इनसे कैसे बात कर सके, इनको कैसे कंफर्ट लेवल देने का काम करें कि वही जो लाभार्थियों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उससे किस तरीके से फायदा उनको पहुंचा है और आगे इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें, इन सब चीजों के ऊपर बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ और आगे के कार्यकारिणी की इसके जो अपनी आगे की मीटिंग होने जा रही है उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है इसके साथ साथ उसके ऊपर भी बातचीत हुई। बेसिकली आई हैव गिवन यू एन आइडिया ऑफ व्हाट वी वेंट थ्रू इन दिस लास्ट 2 आवर्स।
3 hours, and the discussions that took place. I don't think I need to repeat this in English, but if there's anybody who wishes to ask any questions about what happened at these discussions, I'd be happy to oblige. मित्रों एक मिनट केवल आग्रह था. हम 2 दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और 2 दिनों तक आपसे लगभग 5-6 बार हमारे नेतागण आपसे रूबरू होंगे. कई सारे प्रश्न आपके पास है. उन कई सारे प्रश्न आपके पास है. संजय जी, इतना अच्छा लगा, इतने सारे लोग यहाँ आए हैं और मैंने पार्टी और ये जो संगठन के कार्यक्रम उसमें इतना इंटरेस्ट रखते हैं, इसको देख के बहुत अच्छा लगा. और आप लोग सबने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की बात सुनी और आपको कुछ समझ में आई कि हम पार्टी किस तरह संगठन को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है. तो इसलिए एनीबडी हैज अ क्वेश्चन ऑन एनीथिंग टू डू विद द संगठन, आई एम हैप्पी टू ओब्लाइज. तो एक सेकंड, प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन ली जाए. कई सारे प्रश्न हैं, ऐसी जानकारी हमको है, लेकिन मेरी बाध्यता है प्लीज 1 मिनट. मेरी बाध्यता है कि आप जो भी प्रश्न करेंगे राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से जुड़े प्रश्न ही करें, ऐसा आग्रह है आपसे. और मेरा एक एक करके आग्रह है. यतीन्द्र शर्मा, TV18. मैम, क्या जो राजनीतिक प्रस्ताव आप कह रहे हैं आएगा, तो क्या उसमें जो वर्तमान हालात है खासकर उदयपुर वाली घटना का भी जिक्र किया जाएगा? आई एम श्योर दैट वट एवर डिस्कशंस आर इम्पोर्टेंट टूडे इन दिस कंट्री एंड वट आर हैपनिंग इन दिस कंट्री विल figure in the discussions that will take place later on this afternoon. Ravindra Singh, Zee News. Anyone else have a question? Sujit Thakur, Amar Ujala. Bhaskar, Dainik Bhaskar. Please, I want to make one thing very clear to you. That these are discussions, as I just said, these are discussions that will take place, which are part of the Rajnaitik Prastav that will take place. I mean, this is hardly something that can be discussed at this moment. उसको एक एक करके प्लीज, एक एक करके. This will all be decided just now. Everybody is in the process of, as I said, this is a part of the, ये हमेशा होता है. आपको मालूम है कि प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव तो हमेशा आते ही आते हैं whenever ऐसी मीटिंग होती है. तो उस मीटिंग की तैयारी में मैंने आपको ये बताया है, आपको इन्फॉर्म किया है कि एक तो राजनीतिक प्रस्ताव तो होगा ही, और उसके साथ साथ जो दूसरे एक और प्रस्ताव हम लोग पेश करेंगे जिसमें प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजनाओं के बारे में बातचीत होगी. लीज मैथ्यू. So the idea was that rather than taking them as a huge whole, it's very important that the party at the state level take scheme by scheme, go down to those people, because now we have lists of all of these, go down to the people according to the districts, discuss with them and see the levels to which we can take it. Because when you discuss with them at the ground level, they themselves will tell you what the difficulties are. If there are any such further difficulties, what are they and how are we in a position to solve them, it's very important, because otherwise those schemes become stagnant. And we wish that they don't become stagnant. They've done very well for us in the last elections and has done very well for the people of the country as a whole. So I believe that will make a difference. Thank you.
रत्ना सियासत, रत्ना सियासत प्लीज नाम बोल रहे हैं। वेर आर यू? Just as we are not going to be able to do that just now, we are in the process of drafting that statement, and that will come out after the meeting today. Vikas Bhadauria. No, that will come out in the evening. We'll let you know in the evening after that is discussed. Vikas Bhadauria. Just now we are in the process of just getting it together. I'm just giving you an idea of all the things that we have on the table. And those things will now be put in a definitive form so that the discussion can take place at the party level today. Vikasji. माहौल को लेकर भी राजनीतिक प्रस्ताव में कोई चर्चा होगी? किस तरह का माहौल है? उदयपुर की घटना हुई, आज अमरावती में भी एक घटना होने की सूचना आई है, इन सबका जिक्र होगा राजनीतिक प्रस्ताव? जी विकास जी, व्हेनेवर वी हैव अ पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन में जो प्रॉब्लम्स जहां हो रही हैं वो तो आती ही आती हैं। सो आई एम श्योर दैट दिस विल बी डिस्कस्ड एट ग्रेट, आई मीन ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड एट लेंथ एट द मीटिंग। One of the few with a mask, so I have to put on my glasses to see that, yeah. And part of the political discussions you are talking about are the Jaipur incident philosophy. Beg your pardon? Part of the political discussion. Actually, it's really lovely to see that you people keep going back in, to the same thing. I'm not interested in that, but I'm interested in one thing, that in the name, some constitutional people holding constitutional positions, going beyond their mandate, in the name of arbiter dictum, giving lectures to the people of this country on religion and philosophy. Okay. Which is number two. Anyone else? Sanjay Sharma, Indian News. राजनीतिक प्रस्ताव और जो आपने आर्थिक प्रस्ताव गरीब कल्याण प्रस्ताव की बात की है, आज अध्यक्ष जी के भाषण के बाद में आज कौन सा प्रस्ताव आएगा और कल कौन से प्रस्ताव आने वाले हैं और कौन कौन इसको पेश करेंगे? ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे राजनीतिक प्रस्ताव और अर्थव्यवस्था पे इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल रेजोल्यूशन तो होते ही होते हैं, और दोज आर बींग रेडी जस्ट नाउ, दे आर गोइंग टू बी द वन दैट विल कम इन बिफोर द मेन बॉडी, and then they will be discussed, which will be then discussed with you after the when that meeting is over. I can't discuss that beforehand. I don't think that has come up at the moment, but this will be discussed, I'm sure, at the adequate forum. I don't think there's something that will be discussed at a large level, but I'm sure that at adequate forum it will be discussed. And as I said, they are going to issue a statement. So that statement, to the levels that they wish to discuss at the Karyakarini, I'm sure that will be brought out. And that will be anyway given to all of you. This is the country as a whole. इसकी भरपाई उधर से करना है, उधर की भरपाई इधर से करना है, मतलब नहीं है। हमारे तो कोशिश ये होगी कि पूरे देश के ऊपर और पूरे देश के स्टेट्स के अंदर हम अपने परचम को लहराने का काम करेंगे। सो वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स दैट। सर,
सलोनी श्रीवास्तव, प्लीज वन मिनट, सलोनी श्रीवास्तव रिपब्लिक। I just told him that the thing that these things will be discussed at the proper forum, and the amount or the number of those items which need to get discussed about these particular things will be done this afternoon. Pragya Kaushik. See, this is one of the main. No, there were many other suggestions, but this is a suggestion that will lead to all the others. But the fact ki aap apne ghar ke upar tiranga mane phehraoge, every person ke paas ya every ghar ke paas hum log jaane ki koshish karenge apne apne areas ke andar, aur jab jaoge in sab cheezon ke bare mein baat karne ke liye logon ke sath baithoge, to mujhe to vishwas hai ki bahut sari cheezein uth ke aayengi, aur caste ke upar, language ke upar, इन सब चीजों के ऊपर उठ के राष्ट्रीयता उभर के आएगी। दैट ऑफ कोर्स इज अ मेजर फोर्स टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। एक मिनट, बालू डेकन क्रॉनिकल। दैट विल बी डिसाइडेड टुडे। बेसिक जनरल आइडिया that this is a program that will be a good program has been accepted in today's meeting. Now it will be put to the others, and dates and time will be agreed upon by the various states. Aage phir milne wale hain. Bahut bahut dhanyawad. Thank you. I request all the